सहारनपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव देवबंद ब्लॉक से स्वा प्रत्याशी की हार के बाद समर्थकों का धरना प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। ब्लॉक देवबंद में स्वा प्रत्याशी की हार के बाद समर्थकों ने किया प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस को करना पड़ा हल्का पुलिस बल प्रयोग। पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, भीड़ को किया तितर बितर। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ब्लॉक कार्यालय के बाहर हारी हुई स्वा प्रत्याशी के पति कार्तिक राणा समर्थकों के साथ बैठे धरने प्रदर्शन पर। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भाजपा उम्मीदवार ममता त्यागी देवबंद ब्लॉक से 10 वोट से विजय हुई हैं। स्पा पार्टी से देवबंद ब्लॉक की हारी हुई प्रत्याशी निधि राणे ने बताया कि जब वे अंदर चुनाव स्थल पर मौजूद थी तो जीतने वाले प्रत्याशी ममता त्यागी द्वारा कुछ वोट पत्र फाड़े भी गए। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे 73 वोट थे, लेकिन बाद में हम लोगों को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हमारे कुल 44 वोट मिले व जीतने वाली प्रत्याशी ममता त्यागी को 54 वोट मिले। प्रशासन ने कहीं ना कहीं हमें हराकर लोकतंत्र की हत्या की। रिपोर्ट महेश कुमार। देवबंद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में कुल मतदाताओं की संख्या 102 थी, जिसमें 100% मतदान हुआ। 102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र अस्वीकृत किए गए और शेष वैध मतपत्रों के की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर कुल 54 वोट प्राप्त हुए, जो विजयी घोषित की गई हैं, और नीतीशा राणा को कुल 44 मत प्राप्त हुए। तो जो भी मतपत्र हैं वो दोनों उम्मीदवारों को सामने दिखाए गए हैं, वीडियोग्राफी भी हुई है, इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं। जो भी प्रक्रिया हुई है मतदान की और मतगणना की, वो राज्य निर्वाचन आयोग के मानक विधि विधानों के अनुरूप हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है, उनका आरोप यह निराधार है। रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर धरने बैठे थे, फिर उनके उनकी तरफ से जो है इसमें हिंसा, थोड़ी बहुत हिंसा की गई, जिस पर हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया गया और कुछ लोगों को पकड़ के लाइन भेजा गया। सर कितने लोग हैं? लगभग 8-10 लोग हैं जिनको लाइन भेजा गया। देखिए थोड़ी बहुत बल प्रयोग किया गया, क्योंकि उनके द्वारा जो बदलाव किया गया था, पर किसी के ऐसी कोई गंभीर प्रकृति की चोट या फिर किसी के ऊपर अलर्टी का वो नहीं हुआ।